नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,041 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 276 लोगों की जान कोरोना से गई। देश में 86 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। जर्मनी के आम चुनाव में मध्यमार्गी वामपंथी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने सर्वाधिक मत हासिल किए। बेहद करीबी मुकाबले में निवर्तमान चांसलर एंजेला मर्केल की मध्यमार्गी दक्षिणपंथी पार्टी यूनियन ब्लॉक कर आया। एलएसी के समीप अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करने में जुटा चीन। सीमा के समीप सैनिकों के रहने के लिए बनाए कंटेनर, फिर तनाव बढ़ने की आशंका। गलवान घाटी की हिंसक घटना के बाद एलएसी पर भारत और चीन में करीब 18 महीने तक रहा था तनाव। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद, सुबह 6 से अपराह्न 4 बजे तक धरने और प्रदर्शन का ऐलान। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम का आयोजन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत से मुद्दे का समाधान निकालने की अपील की है। अमेरिकी यात्रा के बाद अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने साइट पर लगभग 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। चेन्नई सुपर किंग्स का विजयी अभियान जारी। कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराया। 10 मैचों में 16 अंक के साथ अंक तालिका में टॉप पर चेन्नई सुपर किंग्स। हर्षल पटेल की हैट्रिक और मैक्सवेल के शानदार प्रदर्शन से आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 54 रनों से हराया। आरसीबी जीत से अंक तालिका में 3रे स्थान पर बरकरार, मुंबई इंडियंस 7वें स्थान पर खिसकी। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कांग्रेस से भाजपा में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 6 को राज्य मंत्री बनाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 15 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 6 विधायकों ने राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने का विरोध किया। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली का एक और बड़ा रिकॉर्ड, टी20 में 10,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय और दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने। छक्का जड़कर बनाया 10,000वां रन। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।